स्टूडेंट्स, कल हमने किया था हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है। एंड टुडे वी आर एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यू नो दैट व्हाट डू मीन बाय एक्यूट, व्हिच इज ग्रेटर देन 0 एंड हैज देन 90 डिग्री, such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन के, बहुत सारे। आई विल शो यू द सिंपलेस्ट वे। अगर फर्ज करो हम ये लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन एक चीज का यहां आपको ध्यान रखना है, A और B हमें यहां रखने हैं, क्योंकि यहां तो 90 है, यहां तो ए भी नहीं आएगा, तो हम यहां ये लेंगे राइट एंगल एट सी। सो हम लिखेंगे कंसिडर राइट एंगल एट ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट। तो यहां पर हमें ये एक एंगल है ये 90 के बगैर एक्यूट एंगल, और एट बी इट्स गिवन, हमें क्या या है, कॉस ए बराबर है कॉस बी, ठीक, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए तो अगर यहां हम देखेंगे तो ये बन गई इसकी ये बेस, और ये बन गया परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस में कोई प्रॉब्लम। कॉस ए किसके बराबर है, कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक। तो यहां हम लिखेंगे फिलहाल कॉस भी ऐसी, तो यहां क्या आएगी इसकी बेस ए सी और हाइपोटेन्यूस हुआ ए बी। अब यहां आएंगे कॉस बी, यहां ये बन जाएगी बेस, तो कर्ली ब्लैक हेयर ए बी, ठीक। ए बी और ए बी विल कैंसल डाउन, तो हमें क्या निकला, ए सी किसके बराबर निकला, ए सी निकला ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इससे हमें इम्प्लाइज हुआ ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल बी, और बी सी का अपोजिट एंगल है एंगल ए, क्योंकि आपने पढ़ा है पिछले साल कि साइड अपोजिट या इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट एंगल आर। Now students, we are at question number 7. I have already written it. What the question says? If cot theta is equal to 7/8, ये वाला पार्ट, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, और इसका सेकेंड पार्ट है cot square theta। अगर हम सबसे पहले इसका सेकेंड पार्ट ही करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कॉट थीटा 7/8 है, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज मैं आपको रिमार्क दिखाऊंगा, ये याद रखना है आपको, अगर कॉट स्क्वायर थीटा हो या अगर कोई बच्चा लिखे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इट इज वन एंड द सेम। हाँ अगर कोई इस तरह लिखे कॉट थीटा स्क्वायर, उसको कुछ नहीं आएगा, उसको अंडा आएगा एग्जाम, तो इट इज द रॉन्ग वे, दीज टू आर द करेक्ट वेज। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कि 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया ये सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे अब फर्स्ट पार्ट की तरह, हम देंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट बी, यहां पर हम लेंगे थीटा, हमें वहां से क्या दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। वी नो डेट कॉट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, तो ए इज बाय परपेंडिकुलर, ठीक। इसका मतलब अगर हमने यहां लिया तो बेस बी सी बन गई, परपेंडिकुलर ए बी बन गया, ठीक है। हम लिखेंगे एट EC is 7k and AB will be 8k, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने कल किया, इसलिए मैं आई एम गोइंग
a bit faster. उसके बाद हम करेंगे by applying Pythagoras theorem. Base square is equal to perpendicular, base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 8k square plus 7k whole square is equal to hypotenuse square. At last, hypotenuse AC square मुझे निकलेगा 113k square. तो AC मुझे लिखा अंडर रूट ऑफ 113k. ठीक है, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद हमें ये भी निकला. उसके बाद क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है निकालने के लिए, वो आ जाओ. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें निकालना है. ठीक है, अगर हम ये देखेंगे आपने फॉर्मूला की है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ए प्लस बी ए माइनस बी यहां भी होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब हमें निकालना है 1 स्क्वायर होगा 1 ही. साइन किसके बराबर है, ये साइन हुआ सम पीपल हैव, वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया इसका ए बी. ठीक, वो हो गया 8 बाय अंडर रूट ऑफ 117 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट ऑफ 113 सॉरी का होल स्क्वायर. ये हो गया 1 माइनस 64 बाय 113, हो गया 1 माइनस 49 बाय 113, ये हो गया 49 बाय 64. एक स्टेप को मैंने कम किया टू मेक इट एज सिंपल. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, इट इज द सेम क्वेश्चन जो आपने कल भी किया. इसमें आपको क्या दिया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4. तो cot a हो गया 4 बाय 3. उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करोगे तो मैं यहां लिखूंगा डू योर सेल्फ. ठीक, ये है सेम. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9. इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 एंड 10. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. तो ये हमें बोल रहा है एन ए है 1 बाय रूट 3 के बराबर. तो हमें निकालना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी. एक पार्ट ही हम मैं करूंगा एक पार्ट, और सेकंड पार्ट आपको होम असाइनमेंट होगा. ठीक है, तो हम लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, वो मैंने ऊपर बनाया है. तो क्वेश्चन में हमें दिया है टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3. एन होता है परपेंडिक्यूलर, तो यहाँ सम टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो परपेंडिकुलर ये बना और ये बेस ये बनी, तो बी सी बाई ए बी 1 बाय रूट 3. ठीक है, तो बी सी इज के एंड ए बी विल बी रूट 3 के. ठीक है, उसके मैंने आपको कल ये भी समझे के क्यों रखते हैं, वायर के इज एन इंटीजर, या आप यहाँ लिख सकते हो के इज पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, मैंने एक स्टेप काम किया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, AC निकला 2k. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकला 2k. तो यहां जाओ आप कैमरा, तो AC निकला हमें 2k और BC हमने रखा था K और AB हमने रखा था रूट 3K. ठीक है, अब इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट की तरह जाएंगे. वो क्या था, साइन A, इसीलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस कॉस A साइन C. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ. साइन A, जब हम साइन A की तरह जाएंगे तो साइन होता है सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ये बनेगा क्योंकि ए यहाँ है, तो परपेंडिकुलर हो गया ए और हाइपोटेन्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहां थोड़ा ध्यान है, बीच में इंटर है, कॉस सी का मतलब है यहां एंगल बना. ठीक, तो कर्ली ब्लैक, तो बेस क्या बन गई इसकी, ए है ना, तो कर्ली ब्लैक हेयर डिवाइड बाई 2k. ठीक है, प्लस उसके बाद कॉस ए, कॉस अब ये बन गई इसकी बेस, कर्ली ब्लैक हो गया रूट 3k बाई हेयर, इंटू साइन सी, साइन सी,
सम परपेंडिकुलर ये बना हो गया रूट थ्री के बाई टू के, ठीक है, के 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 का, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वन बाई फोर प्लस रूट थ्री, रूट थ्री हो गया थ्री डिवाइड बाई फोर, ये हाइक फ्रैक्शन हो गई, फोर बाई फोर इज इक्वल टू वन। तो सेकेंड पार्ट इसका वो हो गया आपको होम असाइनमेंट, इट इज द सेम एज दिस। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड हाफ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड हाफ इज द फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स विच यू कैन डू। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर टेन। What it says in triangle PQR right angle at Q, PQ plus QR is 25, PQ is equal to 5, find the values of sine P। इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें हमें खाली दिया है PQ है 5 सेंटीमीटर और इन दो साइड्स का सम हमें ये दिया है, हमें दिया है PR plus QR, PR plus QR का सम है 25। अब अगर फर्ज करो हम रखेंगे हाइपोटेन्यूज को x, हम लिखेंगे लेट पी आर इज इक्वल टू x, ठीक है, तो क्यू आर क्या यहाँ आएगा 25 माइनस x, तो ये बन गया 25 माइनस x। उसके बाद करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गई वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 25 माइनस x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 525, यहाँ करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ नहीं इस तरह स्क्वायर दे दिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स स्क्वायर अपनी जगह इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर हो गया 625, यू नो इट, हो गया माइनस 50x, एक्स स्क्वायर हो गया कट, ये करो थोड़ा सॉल्व हो गया 50x इज इक्वल टू 650, तो एक्स निकला 13, एक्स क्या निकला हमें, इसका मतलब यहाँ जो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है 13, ठीक, और ये है 25 माइनस 10 वो हो गया 12। उसके बाद क्या निकालना है अब साइन पी, नाउ इट इज सिंपल, साइन पी तो परपेंडिकुलर सम पीपल हो गया 12 बाय 13, और क्या निकालना है, और निकालना है कॉस पी, अर्ली ब्लैक हो गया 5 बाई 13, और क्या निकालना है टैन पी, टैन पी, तो यहां तो कुछ नहीं चेंज हो, टू प्रेजेंट ब्यूटी, होप यू आर सेटिस्फाइड, चलो अस्सलाम वालेकुम।